Assalamualaikum. आज हम बनाने जा रहे हैं तुअर की दाल के समोसे. ये 1.25 कप तुअर की दाल है. इसको मैंने धो दिया है, पानी भर दिया है. इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करके मिक्स करेंगे. गैस ऑन करके इसको गलने तक पकाएंगे. बहुत ज़्यादा नहीं गलाएंगे इसको, अखा अखा ही रखेंगे. देखिए दाल मैंने गलाकर बिल्कुल ये एकदम मैश नहीं हुई है, गली नहीं है, मैश नहीं होना. इसको अखी अखी रखी है, थोड़ी सी गलना बाकी है बस. इस पॉइंट पे मैंने इसको छन्नी में निकाल दिया. इसमें बिल्कुल पानी नहीं होना चाहिए. इसका जो भी एक्सेस पानी है वो मैंने छन्नी में डालकर इसको इसका पानी निकाल दिया है. एक बोल में मैंने दाल को निकाल दिया है. 3 मीडियम साइज ऑमलेट स्टाइल में कटी हुई प्याज है, ये 20 हरी मिर्चियाँ कटी हुई है, 1 कप हरा धनिया कटा हुआ है. ये सारा कुछ दाल में ऐड करेंगे. बिस्मिल्लाह. डेढ़ टीस्पून नमक ऐड करेंगे इसमें. 2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे. अब इसको मिक्स कर देंगे इस तरह से. चम्मच से नहीं मिक्स करेंगे वरना दाल टूटेगी. और 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, नमक कम है. वापस से इसको मिक्स करेंगे इसी तरह से. हल्के हाथ से दाल को मैंने मिक्स कर दिया है. अब जो बाकी की गलने वाली दाल है तलते टाइम गल जाएगी. मैदे की स्लरी बना दी है पानी डालकर. अब मैंने स्वीट्स के समोसे के शीट लिए हैं. एक एक शीट लेकर पहले इसको कोन शेप देंगे इस तरह से ट्राइंगल बनाकर. ऐसा फोल्ड करेंगे. यहाँ पर एकदम पॉइंटेड होना चाहिए, बिल्कुल खुला नहीं होना चाहिए वरना तेल इसमें घुसेगा फ्राई करते टाइम. अब थोड़ा थोड़ा स्टफिंग भर के थोड़ा सा अंदर से प्रेस करेंगे. वापस से इसको ट्रायंगल शेप देंगे. यहाँ से भी इसको सील करेंगे टाइट फोल्ड करके. फिर इसको टर्न करके ये ही शेप में इसको टर्न करना है. इस तरह का ये ट्राइंगल होना चाहिए. अब स्लरी लगाएंगे. सारी जगह मैंने स्लरी लगा दी है. इसको चिपका देंगे इस तरह से और बाकी के हिस्से को ऊपर से चिपका देंगे. देखिए इस तरह से हम सारे समोसे बना देंगे. तेल गरम करके मैंने समोसों को डाल दिया है. अब लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे. एक तरफ से गोल्डन हो गए हैं, दूसरी तरफ टर्न कर देंगे. लो फ्लेम पे ही इनको फ्राई करेंगे. दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो गए हैं. देखिए अब इनको निकाल देंगे.
तुअर की दाल के समोसे तैयार हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।